आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, बस संतान नहीं है इसलिए दुखी है। बाकी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण है, सब सम्मान भी करते हैं, सब कुछ इसके पास है, पर संतान नहीं है इस बात का दुख है। और इसी बात से दुखी होकर के, इसी बात से परेशान होकर के आत्महत्या करने चला है। आत्मदेव सोचता है कि मैं ही पापी हूं, मैं जिस पौधे को लगा दूं वो कभी फल नहीं देता, मेरे यहां जो गौ माता है उसके कोई बछड़ा नहीं है, मेरे अपने भी कोई संतान नहीं है, मैं ही पापी हूं। इसलिए ऐसे पापी को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, अपने प्राण समाप्त करके निश्चिंत हो जाओ। आत्महत्या करने चला तो संत मिले और संतों ने परिचय पूछा और दुखी मुख देखा तो कारण पूछा दुखी होने का। इसने कहा मैं आत्मदेव हूं और संतान नहीं है इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। संतों ने अपनी दृष्टि से देखकर बताया कि एक जन्म की बात छोड़ो आत्मदेव, सात जन्मों तक भी तुम्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा, अगले सात जन्मों तक भी। उसने देखा संत क्या कहते हैं, बोले इस जन्म की बात छोड़ो, अगले सात जन्मों में भी संतान का सुख तुम्हारे किस्मत में, भाग्य में है ही नहीं, इसलिए अपने घर जाओ और जो है उसमें सुखी सुखी जीवन बिताओ। कितनी बार मरोगे, इस बार, अगली बार, अगली बार, कितनी बार मरोगे, इसलिए मरने से अच्छा है जो जीवन मिला है उसको जी कर जाओ। अब तो आत्मदेव ने पांव पकड़ लिए कि हे महात्मन, जब आप आगे के सात जन्मों का देखकर बता सकते हो तो इस जन्म में कोई आशीर्वाद देकर मुझे संतान प्राप्ति का कोई वर दे सकते हो। पैर नहीं पकड़े छोड़ूंगा, पकड़े रखा। बार बार संतों ने समझाया कि तुम्हें योग ही नहीं है, लेकिन कहा कि संत बड़े समर्थवान होते हैं, आप जो चाहोगे सो हो जाएगा, कृपा करिए आशीर्वाद देकर जाइए, कोई संतान हो मैं भी सौभाग्यशाली बनूं। बार बार गिड़गिड़ाया, पैर पकड़े रखा, हट करने लगा, तब संतों को दया करुणा आई और एक फल दिया और कहा जाकर अपनी पत्नी को दे देना, सौभाग्यशाली संतान होगी जो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम करेगी, तुम धन्य हो जाओगे आत्मदेव। फल लेकर प्रसन्नता से ये घर गया, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया और कहा इस फल को ग्रहण करना और सौभाग्यवती बन जाओगी, ऐसी संतान होगी कि सब तुम्हारा नाम जानेंगे। पत्नी ने फल तो ले लिया, लेकिन सोचा कि अगर वास्तविकता में ऐसा हुआ तो संतान पैदा करना बड़े कष्टों की बात है, सामान्य बात तो है नहीं, बड़े दर्द तकलीफें, बहुत कष्ट देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, इतना मोटा पेट लेके घूमना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी, क्या किया जाए। तकलीफ भी नहीं चाहती और संतान भी चाहती है तो अपनी पड़ोसन के पास गई माता और पड़ोसन से पूछती है कि ये फल संतों ने दिया है, कहा है कि मैं अगर इसे ग्रहण करूंगी तो यशस्वी संतान की माता कहलाऊंगी, नाम होगा पूरी दुनिया में तुम्हारा। ऐसा संतों ने कहा, क्या करूं, इस फल को ग्रहण करूं या ना करूं, बड़ी दुविधा है, तकलीफें भी होंगी, बहुत मुश्किलें भी झेलनी पड़ेंगी संतान के लिए, बड़े दर्द सहने पड़ेंगे, क्या करूं, तुम सलाह दो, तुम कुछ कहो। अब पड़ोसन ने ये सोचा कि इसके घर संतान होगी, लाभ इसको मिलेगा, नाम इसका होगा, सौभाग्यवती ये बनेगी, मेरा क्या भला है इसमें, मेरा क्या लाभ है इसमें। तो पड़ोसन ने सलाह दे दी कि देखो फल खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी तकलीफ झेलने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्या करना है, अरे मैं इस समय गर्भवती हूं, मेरे पति को थोड़ा धन दे देना और बदले में मेरी संतान जो होगी उसको ले जाना, सारी तकलीफों से बच जाओगे। इसको बड़ी अच्छी बात लगी है, दर्द भी नहीं सहने, तकलीफें भी नहीं सहनी, कुछ करना भी नहीं और संतान भी मिल जाएगी कुछ धन देने के बाद।
इसको बात बड़ी अच्छी लगी। लोगों को बात वही अच्छी लगती है जो उनके अनुसार हो। किसी शराबी को आप कहो कि शराब छोड़ दो, उसको बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगी। आप बात तो अच्छी है लेकिन उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके लिए शराब अच्छी है। उसको छुड़ाने वाला सबसे बड़ा शत्रु लगेगा, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए लोग अपने अपने अनुकूलता के अनुसार बातों को लेते हैं। जो हमारे लिए हमारे मन के मुताबिक ठीक है वो बढ़िया है। इसने भी कहा कि देखो मेरी पड़ोसिन कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है, मेरी तकलीफों का, मेरी दर्द पीड़ाओं का कितना ध्यान रखती है। इसलिए माताओं ये कथा समझाती है, जिनसे आप सलाह लेते हो, जिनके पास आप बैठते हो, वो आपके अपने हितैषी है कि नहीं है ये पहले देख लेना, समझ लेना। जिनसे आप अपने मन की बात कहते हो वो आपका हित चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। बहुत लोग आपके मन की बात पूछ तो लेते लेकिन फिर उसी बात को पूरी दुनिया में प्रसारित भी करते हैं। कई बार मैं कहती हूं कि हर आंसू आंख में लाया मत करो और हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। इसने अपना भाव रखा लेकिन पड़ोसन ने कहा कि मेरा कोई भला नहीं है, मेरा लाभ जिसमें है मैं वो करूंगा। लोग यही चाहते हैं, आज हर व्यक्ति अपना ही लाभ सोचता है। इसने पति से झूठ बोल दिया, फल खा लिया। फल का क्या करूं, ये भी पड़ोसन ने कह दिया, गौ माता को खिला दिया। मेरा संतों का परीक्षण भी हो जाए, तो संतों का परीक्षण हो सके इसके लिए, संतों का परीक्षण भी हो तो संतों की परीक्षा ली, पति से झूठ बोला, संतों की बात पर भरोसा नहीं किया, ये सारे कार्य धुंधली ने एक साथ किए। इसने पति से कहा मैं गर्भवती हूं, धीरे 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 समय बढ़ता गया, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, 9 महीने बीते, पड़ोसन के घर संतान हुई पुत्र के रूप में। ये धन देकर उसको लेकर आई और कहा पति को कि आप पिता बन गए हो और मैं माता बन गई हूँ, मेरे गर्भ से सौभाग्यशाली संतान हुई है। आत्मदेव तो प्रसन्न हो गए, आत्मदेव आज प्रसन्न हो गए, गदगद करके हंसने मुस्कुराने लगे, हृदय से आज भगवान का धन्यवाद करने लगे। प्रभु आपका धन्यवाद है, मैं पिता बन गया, मैं सौभाग्यशाली हो गया, आज इतने प्रसन्न हुए, वर्षों की प्रतीक्षा मेरी सफल हो गई। प्रभु इधर गौ माता से भी जो फल दिया था उससे एक बालक हुआ, कान उसके गौ के जैसे हैं, उसका नाम रखा गौकर्ण। बोले गौकर्ण महाराज की जय। वो गौकर्ण और ये धुंधली के संसर्ग में, इसलिए इसका नाम धुंधकारी रखा।